गाइस, क्या आप भी गूगल क्रोम ब्राउजर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? काम करते वक्त अच्छी वेबसाइट्स को बुकमार्क कर लेना आपकी आदत में है, या किसी अकाउंट के लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को आप क्रोम में ही सेव कर लेते हैं? लेकिन यदि अचानक से हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है, तो उसी के साथ हमारे गूगल क्रोम में सेव किए गए ये सभी बुकमार्क्स, पासवर्ड, एक्सटेंशंस सभी साथ में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो का एक एक स्टेप आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसे तुरंत सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफी सारे बुकमार्क्स मैंने लगाए हुए हैं। कुछ बुकमार्क्स इंडिविजुअल हैं और कुछ बुकमार्क्स फोल्डर्स में हैं। यहाँ पे काफी सारे एक्सटेंशंस भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं और काफी सारे पासवर्ड मेरे गूगल क्रोम में सेव है। तो अब हमें इन सबके बैकअप के लिए सिर्फ एक सेटिंग करनी है और सभी का बैकअप एक साथ आ जाएगा। आपको अपने क्रोम ब्राउजर में इस तरह का आइकन नजर आएगा, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही हमें एक मैसेज शो हो रहा है, सिंक एंड पर्सनलाइज क्रोम अक्रॉस योर डिवाइस। इसका सिंक हम ऑन कर देंगे। यहाँ पर आप एक मैसेज भी देख रहे होंगे, साइन इन टू क्रोम, साइन इन विद योर गूगल अकाउंट टू गेट योर बुकमार्क्स, हिस्ट्री, पासवर्ड्स एंड अदर सेटिंग ऑन ऑल योर डिवाइस। और यहाँ पे अब हमें एक ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर दिया है, अब यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हमारे क्रोम में सेव सभी डेटा लाइक बुकमार्क्स, हिस्ट्री, पासवर्ड एंड अदर सेटिंग्स सब हमारे ईमेल आईडी में ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। चलिए अब हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं, देन नेक्स्ट। यह देखिए, हमारे पास में एक पॉपअप आया है, क्रोम सिंक, योर बुकमार्क, हिस्ट्री, पासवर्ड एंड अदर सेटिंग्स विल बी सिंक टू योर जीमेल अकाउंट, सो यू कैन यूज देम ऑन ऑल योर डिवाइस। यहाँ पर लास्ट में एक छोटा सा मैसेज भी है, Want to manage sync and personalization before they are turned on? Visit setting. तो आप इसको एक बार विजिट भी कर लीजिएगा। अभी मैं यहाँ से इसको टर्न ऑन कर रही हूँ। यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ का आइकन भी अभी चेंज हो गया है और यहाँ से यह सिंकिंग भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ से आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैनेज पीपल। इस ऑप्शन को यूज करके इसी तरीके से आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्रोम ब्राउजर का सिर्फ एक यूजर है। आप ऐसे ही मल्टीपल यूजर अकाउंट्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जो कि पर्सनल और ऑफिशियल हो सकता है। इसके लिए आपको यहाँ ऐड पर्सन पर क्लिक करना होगा। यदि आप यहाँ से कोई आइकन चूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम ऐड पर क्लिक करेंगे। यह देखिए, हमारा न्यू यूजर यहाँ पर शो हो गया है। अब आप यहाँ से इस यूजर की भी सिंक को टर्न ऑन कर सकते हैं। अभी हम वापस से इस आइकन को क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप यूजर्स को ऐड करते जाएंगे, वो यहाँ पर आपको शो होते जाएंगे। उसके बाद हम मैनेज पीपल पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर दो यूजर दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं जो कि आपका नहीं है, तो आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करके रिमूव दिस पर्सन भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा, दिस विल परमानेंटली डिलीट योर ब्राउजिंग डेटा फ्रॉम दिस डिवाइस। और यह साथ में यह भी बता रहा है कि यहाँ से क्या क्या डिलीट हो रहा है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, पासवर्ड, बुकमार्क, ऑटोफिल फ्रॉम डेटा। इस तरीके से आप और भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग बुकमार्क्स, हिस्ट्री, पासवर्ड, एक्सटेंशंस एंड अदर गूगल क्रोम सेटिंग्स सेव हो सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।